आप संविधान से ऊपर है या फिर संविधान से ऊपर है क्या? तो संविधान ये तो क्या हुआ, नियम आप ही जानते हैं। उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूट्यूबर्स को बैन करेंगे या फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई? आप संविधान से ऊपर है या फिर संविधान से ऊपर है क्या? तो संविधान अनुच्छेद 19 जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है आप बोल सकते हैं। अलग अलग होने के डरने के प्रयास कालो याद होना, थोड़ा सा कानूनी जानकारी होना चाहिए। जब हमने सीएनटी के बारे जानकारी दी है, जब हमने लैंड एजुकेशन के बारे जानकारी दी है, जब हम 1908 के 1932 के 1860 के 1861 के चर्चा करे हैं, तो थोड़ा सा यूट्यूब जकरा आज डरने के काम कर ले उतना हल्का चर्चा कराया ताकि तुमने योगदान हो। सबसे पहला बात, भारत एक संवैधानिक देश है, हम एक संविधान में 6 का मौलिक अधिकार है, ओकर में है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से लेकर 23 तक 22 तक जो मौलिक अधिकार है ओकर में स्वतंत्रता का अधिकार है, जकर में अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति माने बोले के। यदि हमरा कुछ बोले के है तो सामने वाला प्रधानमंत्री कहने लगा ओकरा हम बोल सकते। अब सवाल रह गया है कि भाई बोल भाई तो कहा, कोई फेसबुक पेज में बोल दिला के, यूट्यूब में जाके बोल दिला। एक बात स्पष्ट है, फेसबुक रहे चाहे यूट्यूब रहे चाहे इंस्टा रहे, ओकर संबंध गूगल से है और गूगल के पास इतना ऑथोरिटी है कि ओकर में निष्कर्ष निकाल सकल है आप अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं रोक सकते। फिलहाल आप लोगों ने मीडिया बंदों ने देखा होगा क्योंकि संजय दास से चर्चा हुआ, हजारीबाग के एसपी ने बयान दिया था कि उन पर एफआईआर होगा, उनको वीडियो डिलीट करना पड़ा। अरे एसपी है तो क्या हुआ, नियम आप ही जानते हैं। उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा जिसमें उन्होंने ये कहा था कि यूट्यूबर्स को बैन करेंगे या फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। कौन सी कार्रवाई? आप संविधान से ऊपर है या फिर संविधान से ऊपर है क्या? तो संविधान में अधिकार है अनुच्छेद 19 जो आपको अभिव्यक्ति की आजादी देता है आप बोल सकते हैं। हाँ, यदि आप गलत बोलते हैं, जो मिथ्या बोलते हैं उनके बारे में झूठ बोलते हैं, तो वही संविधान अनुच्छेद 19(2) कहता है आप मानहानि कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम जो हमारे मीडिया बंधु हैं, यूट्यूबर्स भाई हैं, क्योंकि आपका आंदोलन में रोल है, यदि एसपी डराए चाहे डीआईजी उसको बोलिएगा कि हम जो बोले हैं संविधान 19(1) के तहत बोले हैं, यदि गलत बोले हैं आप 19(2) का प्रयोग कीजिए फिर सजा जमा करिए। अब चूंकि ऐतिहासिक धरती या विनोद बाबू और एके राय के विचारधारा परस्पर, क्योंकि आप लोग हम लोग का जो इधर का भाषा है नहीं समझती है, इसीलिए जो कोल्हान से दीदी लोग आई है, कोल्हान यानी हमारा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला का जो जिला है, वहाँ की जो दीदी लोग हैं शायद हमारी जो भाषा है थोड़ा नहीं समझ पाएंगे, लेकिन चेष्टा कीजिएगा दीदी, कुछ भार दरकार अच्छे तो कुछ चेष्टा करो। क्योंकि हमें चाहे चूंकि बलियापुर के माटी लगे तो हमरा नहीं और तोहरा नहीं कहले ठीक रहते, ठीक रहता है ना। उसे खातिर दीदी साहब आप लोग भी जब आए हैं उतना दूर से कम हम लोग का भाषा सीख लीजिए ना। तो अपने बात के राखे से पहले, जैसा कि हमने मीडिया बंधुओं का आभार किया, अब हमको थोड़ा सा मन हुआ कि कहीं सिंदरी या बलियापुर के अगर थाना परवारी आए तो उनको आभार करें, लेकिन दिख नहीं रहे, नहीं आए क्या? अरे खैर जाने दीजिए, सुने प्रधानमंत्री आए थे तब वो आए थे तो ठीक है, प्रधानमंत्री माने सांसद, बाद में प्रधानमंत्री पहले सांसद। तो यदि बलियापुर थाना प्रभारी और सिंदरी थाना प्रभारी या डीएसपी महोदय यहाँ इसलिए नहीं आए क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं आए हैं, प्रधानमंत्री यानी सांसद, तो ठीक है 2024 में सांसद हम लोग खुद भेजेंगे। अरे अखनी है खाते नहीं ना लोग, ये सब तो लड़का सब स्टूडेंट सब पढ़े वाला यहाँ सांसद थोड़ी आए है, तो ठीक है 24 में ही ऐसे वो सांसद बनते, तैयार है ना, तैयार है ना, और कहे नहीं बनते अब
ये इतना बड़ा हाल खड़ा है साला हमार जमीन में, पीएम सिंह के बाप के जमीन में है कि है कि हमरा एज एमपी पीएम सिंह से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इस बात का हमको तकलीफ है जिसका एक पित्ता जमीन किसी फैक्ट्री में नहीं, किसी योजना में नहीं, किसी परियोजना में नहीं, वो सांसद बन सकता है तो ना जो लाखों लाखों एकड़ जमीन दान दिया है वो कहने बनेगा। चूंकि माए मौसी काकी जेठी दादी सब तोहनी की संख्या ज्यादा हो तो हमें तोहनी से चूंकि एकड़ से पहले जब भी अधिवेशन रहे या सम्मेलन रहे तो लोग 300 टका 400 टका प्रत्येक मुड़ी पिछू दे रखने के गाड़ी बोल गया ना हलय तोहनी ऐसा नहीं ना इल्हा। मीडिया बंधु थोड़ा भी बार बार हमको सवाल पूछते हैं कि कहाँ से फंडिंग होता है, तो सबसे पहले हो सके पुरुष लोग चालाक है, आप लोग सोचते हैं आधुनिक युग में हमारी माए बहने जो आई है हमने हमारे चश्मे की दादी वैसा ले पूछ ले कई क्रका जाए। जितने भी प्रेस वाले आए हैं दादी से पूछिए कि उनको 300 मिला है कि लुगा मिला है कि सया मिला है आने के लिए, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है भैया। 44 डिग्री का तापमान में जहां हम लोग सूरज से आंख मिलाकर बात कर रहे हैं हम बदलाव के लिए आए हैं। जितने भी मीडिया कर्मी हैं पूछिए, हम 2 मिनट का समय देते हैं, हजारों हजार हमको लगता है लाखों की संख्या में लोग आए हैं, एक बार आप पूछिए कि इनको कितना पैसा दिया गया है यहाँ आने के, हम 2 मिनट का समय देते हैं आप पूछ लीजिए, मिले है कि नोनी साहब 1 टका दे लो कि नहीं ना। ये बदलाव, ये बदलाव के लिए आए हैं। अब और बीच में हम बात आगे बढ़ने से पहले एगो छोटा सा निवेदन करवाई कि हमारे वो बहन है बेचारी तखन से कांदा हाल कने गले और मोबाइल के ले लेल थे, एक बार बड़ी मुश्किल से एक बेटी छोवा घर से बाहर जा है, जा है ना, बड़ी मुश्किल से वो बेटी छोवा घर से बाहर जा है, तो यदि हमने ओकर मोबाइल के लेके रख लेबी तो ओकर साथ साथ हजारों बहन के सपना टूट गए। मैं ये अगरा धमकता है कि तोरा तो मोबाइल नहीं देबो, अपर धमकी सुन के आप 4 बार मोबाइल छिनाई दे, तो सह खातिर जब भी ककरो मिलना है मोबाइलिया तो दे दे। आज लूटी लेला थी, लूटला थी कि नहीं, तो सही समय आज लागो। आज यदि हमरानी जागरूक नहीं रहबा, आज यदि हमरानी नहीं पूछबा तो ऐसने यकनी हिया लूटाला हो, कल बोड़ा दहा रघुनाथपुर बलियापुर आरो जे गांव का चल हो सेगला लूटे पर। अरे बाप, ये जे हमरानी आंदोलन कर रहे हैं, ये जे हमरानी कहा है हमरानी लड़बा लड़बा, इटा आने वाला पीढ़ी खातिर कहा, जे आने वाला पीढ़ी मने जान गिदर गिला के कोरा ले के आइला, जान गिदर गिला के कोरा ले के आइला हा, वो अखनी खत में लड़ाई की लगा है, बाकी दादू पैसा लाओ हमें दादू के गोड़ लगा है, दादी को गोड़ लगा है, एकरानी चुईल पाकी गेला है, एकरानी खातिर लड़े नहीं आए, सही लगे ना दादू, हमने एकरानी खातिर लड़े नहीं आए है, हमने आधे नूनूटा खातिर लड़े आए दीदी जे तोर कोरा पर वो नूनी की खातिर लड़े आए है कि पढ़ता है लिखता है नूनी की करता है कि भीख मांग नौकरी करता है, सही बात कि पढ़ाई लिखाई भेल बाद नौकरी करता है, लेकिन सरकार तो हमने नौकरी के बेच दलो, अभी 3600 मास्टर के बहाली आए लो, ध्यान से सुन, 3600 मास्टर कर बहाली आए लो, हमरा ने 24 का जिला है ना वो, तो यदि 3600 और 24 के भाग दे भाई तो कितना बताए, 150 24 के 2400 और 1200 यानी 150 यानी नूनी सब भाई सब एगो जिला कर नौकरी भेलो 150 को,
छत्तीसगढ़ नो 3600 नौकरी 24 जिला भाग कर दिलिए एक जिला हिस्सा ले 150 को नौकरी कते मास्टर दो बच्चा बादे वो मास्टर तो 1 लाख से 1.25 लाख तक का उठाता एगो जिला कितना है ले 150 बुझा ना वो 150 सात कोरी या 10 बांग्ला में यानी हमरा नहीं धनबाद जिला हमरा हिस्सा आई गले 150 मास्टर का नौकरी चला अब यार तो नहीं बांटी गई है हमरा 10 गो प्रखंड जैसे नहीं टपलियापुर हमर तोप चाची हिने निरसा तो 10 गो प्रखंड के पार्टी के है 150 से एगो प्रखंड के कई गो नौकरी नुनी 15 गो एगो प्रखंड के नौकरी 15 गो आज हमें बलियापुर एडन आयला है और विनोद बाबू कर पढ़ोवार लड़ो ईमानदारी से कहा कि बलियापुर 15 का मास्टर थला बलियापुर 15 का मास्टर थला हाँ दे तोर नौकरी बेचाई गई तोर नौकरी बेचाई गई बलियापुर खाली 15 का नौकरी रह जाए मास्टरी का भला नहीं सही का लड़ाई लगो सही खातिर आज बुझे आतो यदि आज नहीं बुझ भा तो एक बात कहा तो इसे गीदर मिला के पढ़े ले भेजा के खातिर को छागर टेकर दे भा दुगो गोरो की नहीं दे भा ना मुर्गी पोल्ट्री फार्म यह खातिर पढ़े ले भेजा हा कि नुनु बोलता है तनी बोलो भेता है और एक टन नौकरी करता है ताकि हमें भुलाए जावे तखन हमार सेवा सत्कार करता है और अपन जो कन्हैया के अंतर ओकर संगे गुजर बसर करता है हटाई ना यह खाते पढ़ाई लिखे ले भाजा हाँ तो हाँ को आधे पढ़ाई लिखाई भाई के लाई नूनू मैट्रिक पास करी के लो इंटर पास करी के लो बीए पास करी के लो एमए पास करी के लो दो चार को पीएचडी करी के कौन हर हाथ दखिले क्या सूरत क्या गुजरात क्या महाराष्ट्र तो की यह खाते झारखंड हर यह खाते अपना पढ़ाई लिखाई नहीं ना नहीं ना राग लगा है राग लगा है कि नहीं तो आज अपन राग के हिसाब करे के समय लगो आज किस प्रकार से हमने एक अधिकार के हमने एक नौकरी चाकरी के एक ने परदेसी आके बेच है अभी बहुत जने कहा तो कहा कि हमारा पूर्वज खासकर हमर मामा घर के आंडी लगाए तो मैं सुना हलिए कि जखन बुढ़ा गिला की नौकरी दे हलाए तो कहा लाए कि तो जितना टाका दबे उतना हमर बेटा ते जा रहा है कह कर वो नौकरी सही लगे कि नहीं यानी हमरा लोग गिला नौकरी से ज्यादा भेलो माटी डा के देला है ना हमरा लोग गिला नौकरी डा से भेलो माटी डा कर देला लेकिन आज ऐसा समय आ गेला है कि एक दिगे माटियो लोग छीने लागल हो एक दिगे नौकरियो छीने लागल हो तो बुझे के देखा कीना बासता कुछ बासता है बासता के वो नहीं ना धनबाद स्टेशन गेल हा ट्रेन भरे ले गेल हा ना